तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूँ न्योन मैन और फाइनली मैं वापस आ चुका अपने घर। आई एम रियली सॉरी यार, रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, मैं बाहर था एक्चुअली। अब आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले बीबी की वाइंस के बारे में। तो भाई बीबी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये वाला बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ही हैज नाउ बिकम द फर्स्ट इंडिविजुअल इंडियन क्रिएटर टू क्रॉस 1 बिलियन यूट्यूब व्यूज ऑन हिज चैनल। तो भाई ये की बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये डाला, फर्स्ट एवर इंडिविजुअल इंडियन क्रिएटर टू क्रॉस 1 बिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। और फिर उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज भी डाले, तो आप खुद देख सकते हैं उन्होंने अपने स्टोरी में क्या कहा। वो जो जर्नी शुरू की थी मैंने 15 व्यूज के साथ, वो 15 के आज 1 बिलियन व्यूज हो गए हैं। और आज तक कभी कुछ पैसा नहीं लगाया वीडियो में प्रमोट करने के लिए, सब वर्ड ऑफ माउथ से हुआ है, आप लोगों के शेयर करने की वजह से हुआ है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। दिस ईयर, ये साल 2018 इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। और अभी दबा के वीडियोज आने वाली है इस साल और 3 ओरिजिनल गाने आने वाले हैं। सो जद्दोजहद चल रही है उसके लिए एंड आप लोग बने रहिए साथ में, मिलते हैं जल्दी। सो या इट्स अ रियली रियली बिग अचीवमेंट, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बीबी की वाइंस। तो चलिए अपने स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अगर तो आपको याद होगा, कुछ हफ्तों पहले अमित भड़ाना ने एक रिकॉर्ड बनाया था। ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल इंडियन क्रिएटर टू क्रॉस 1 मिलियन लाइक्स ऑन अ सिंगल वीडियो। उसके बाद बीबी की वाइंस ने भी क्रॉस कर लिया था 1 मिलियन लाइक्स ऑन अ सिंगल वीडियो, जो कि अमित भड़ाना के वीडियो से फास्टर रेट में था। बट अब अमित भड़ाना ने अपने सेकंड वीडियो में 1 मिलियन लाइक्स क्रॉस कर चुके हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में यह लिखा, 1 मोर 1 मिलियन लाइक्स ऑन अ यूट्यूब वीडियो। थैंक यू आप सभी को दोबारा ये अचीवमेंट पूरी कराने के लिए। वैसे तो नंबर्स मायने नहीं रखते हैं, आज मैं यहाँ पर हूँ कल कोई और होगा, लेकिन इन नंबर्स में जो आपका प्यार है वो काबिले तारीफ है। मेरी मेहनत डबल होने वाली है, आपका प्यार बना रहे, बस लॉट्स ऑफ लव। तो भाई ये भी एक रिकॉर्ड हो चुका है, फर्स्ट इंडिविजुअल इंडियन क्रिएटर टू क्रॉस 1 मिलियन लाइक्स ऑन 2 वीडियोस। तो भाई ये भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू अमित भड़ाना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो भाई कैरी मिनाटी प्यूडीपाई के वीडियो में आए थे। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्यूडीपाई ने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कैरी मिनाटी का वीडियो प्ले हुआ था। उस वीडियो का टाइटल है टेस्टिंग आउट आई ट्रैकिंग। तो चलिए मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं जहां कैरी मिनाटी का वीडियो प्ले हुआ था। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे अखंड भारत की जरूरत है। ओह माय गॉड, अखंड भारत की जरूरत है। जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है, बड़े ओह माय गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद मी? वकांडा का राष्ट्र पंछी है जो एक रात सबके। दिस इज नॉट फनी, This is stressful. इसको देखने के बाद कैरी मिनाटी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये डाले, गजब। प्यूडीपाई से रिलेटेड एक और स्टोरी, उन्होंने करीब 2 दिन पहले अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था, यू इंडिया यू लूज। बेसिकली वो इंडियन मीम्स के ऊपर रिएक्ट किए थे इस वीडियो में, एंड ये वीडियो ट्रेंडिंग में भी आई थी, करीब नंबर 5 तक पहुंची थी। तो भाई इस वीडियो में वो डेली सोप्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं, आपको पता होगा सीरियल्स जो चलते थे पुराने वाले, उसके ऊपर कुछ मीम्स थे तो वो उनके ऊपर रिएक्ट किए थे। उसमें से कुछ सीरियल्स एकता कपूर के थे, तो उन्होंने बहुत ही नेगेटिव ट्वीट डाली प्यूडीपाई के अगेंस्ट एंड उन्हें इसके लिए बहुत हेट मिला। मैं आपको कुछ ट्वीट दिखा देता हूं उनके अगेंस्ट, बाप रे बाप, उन्हें बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं। सो यार, दिस शोज की प्यूडीपाई को इंडिया से भी बहुत सपोर्ट मिलती है। तो यूट्यूबर्स जैसे बी यूनिक, मोस्टली सेन, बियर बाइसेप्स, डीनो जेम्स न्यूज़पेपर में आए थे एंड उनके बारे में कुछ कुछ आर्टिकल्स छपे थे। सो यार काफी अच्छी बात है ये, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैशिंग अड्डा ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन एलेक्स कोस्टा ने कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो आपको तो पता होगा बेजिंगा वर्सेस निक क्रॉम्पटन बॉक्सिंग मैच होने वाला था, तो अब यह मैच कैंसिल हो चुका है, क्योंकि आपको तो पता होगा निक क्रॉम्पटन टीम 10 से रिजाइन कर चुके हैं। तो भैया बहुत लोग स्केयर्स को जाके कमेंट कर रहे थे कि भाई स्केयर्स वर्सेस बेजिंगा होना चाहिए अब, लेकिन उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनका बॉक्सिंग मैच ऑलरेडी फिक्स्ड है राका राका के साथ। तो चलिए देखते हैं बेजिंगा को अपना बॉक्सिंग ओपोनेंट मिलता है या नहीं। तो चलो दोस्तों, आजकल बस मेरे पास इतने न्यूज़। अगर तो आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किए बिना कहीं मत जाना है। आजकल के हम रखते हैं 6,000 लाइक्स, आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर दो। और ऑल्सो अगर आपको मेरे को न्यूज सेंड करना है तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाओ, जाओ के मेरे को वहाँ न्यूज सेंड कर दो। अगर आप वो पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। मैं से आप लोगों को डेली अपडेट देते रहता हूँ पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में कि भाई क्या चल रहा है इधर। तो भाई दिन के कुछ मिनट निकाल के मेरे वीडियोस देख लोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा यार। सी यू एटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।